गाइस वेलकम टू अपर्णाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स दिवाली आ रही है और अब हमारी चिंता बढ़ रही है कि अब हम मिठाई तो बना लेते लेकिन नमकीन में क्या बनाएं। तो आज मैं आपके लिए बहुत स्पाइसी डिश लेके आई हूँ, मसाला पोटली, जिसे कि आप 2-4 दिन पहले बना के रख सकते हैं और उसे 15 दिन तक खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बनाते हैं मसाला पोटली। बनाने के लिए हमने लिया है, ये हमने 2 कटोरी मैदा लिया है, मैदे में हमने नमक डाला है और थोड़ा सा अजवाइन डाला है, थोड़ा सा घी लिया है, 2 चम्मच घी लिया है। ये हमने ड्राई मसाले लिए हैं, जैसे कि 1 चम्मच, सब हमने 1 चम्मच लिया है, 1 टीस्पून। ये तिल लिए हैं, थोड़े से लौंग लिए हैं, जीरा, धनिया, कलौंजी, सौंफ, काली मिर्च और सूखा नारियल। ये इसे हम सबको थोड़ा हल्का सा सेक लेंगे तवे में डाल करके, गरम कर लेंगे और उसका पाउडर बना लेंगे, दरदरा सा पाउडर बनाएंगे इसका। उसके बाद हमने लिया है जो अंदर फिलिंग है, उसके लिए हमने लिया है ये नमकीन लिया है। आप नमकीन कोई भी ले सकती है, स्पाइसी नमकीन ले तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमने लिया है मूंग दाल, थोड़ा सा लिया हमने पीसी हुई चीनी, हल्दी, मिर्च, नमक, हींग और लिया है इमली का पल्प। तो फ्रेंड्स बनाते हैं मसाला पोटली। हमने जो मैदा लिया है इसमें हम घी का मोयन देंगे, आप चाहो तो तेल का भी दे सकते हैं। घी का मोयन से अच्छी परत बन जाती है, उसमें लेयर अच्छी आती है, इसलिए हमने इसमें घी का मोयन लिया है। और इसे इसका एक आटा गूंथ लेंगे, हल्का हल्का पानी डाल के इसका थोड़ा सा हार्ड आटा गूंथेंगे और इसको गूंथने के बाद इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये हमने साबुत मसाले रोस्ट करके पीस लिए हैं दरदरे से, और जो हमारे पास नमकीन है इसको भी हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, बिल्कुल बहुत कम तेल लेना है, 1 चम्मच बस तेल लेना है। उसमें हम ये डालेंगे हींग, जो हमारा साबुत मसाला था जिसे हमने रोस्ट करके पीस लिया है, उसे लेंगे और 2 मिनट इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और जो हमने नमकीन लिया था उसे हमने दरदरा सा पीस दिया है, और जो हमारी मूंग दाल थी उसे भी हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा इमली का पल्प और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हम लास्ट में डाल देंगे पीसी हुई चीनी, जो हमारे इमली का और जो चीनी का टेस्ट है खट्टा मीठा सा बहुत टेस्टी लगता है, तो हमें इसको ऐसा बनाना है और गैस को बंद कर देंगे। देखिए थोड़ा हल्का हल्का बॉल बन रहे हैं इसके, ऐसे हमें इसका मिक्सचर बनाना है, फिलिंग बनानी है। तो अब बनाते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो आटा था हमने उसकी ऐसी पतली पतली पूड़ियाँ बेल ली है, पूड़ी का जो किनारा होगा वो काफ़ी पतला बेलिएगा, और जो हमारी फिलिंग थी फिलिंग की हमने ऐसे बॉल्स बना लिए हैं, और हमारा जो मैदा था मैदे में हम थोड़ा सा हाई ग्रीन कलर मिलाया और उसके ऐसे छोटे छोटे डोरी टाइप बना लिए। तो फ्रेंड्स अब इसको फिल करते हैं। पहले एक पूड़ी लेंगे हाथ में, उसके ऊपर एक बॉल रखेंगे और बॉल से इसकी पोटली टाइप बना लेंगे, इसे अच्छे से दबा दीजिए। फ्रेंड्स हम एक पूड़ी लेंगे, पूड़ी में एक बॉल रखेंगे बीच में, और उसके जो किनारे हैं बीच में थोड़ा सा उसमें पानी लगा देंगे बीच में हल्का हल्का सा, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसकी एक पोटली नुमा बनाएंगे, जैसे आप मोदक बनाते हैं उस टाइप से ही इसकी ऐसी पोटली बनाएंगे। इसको बीच में से ऐसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। इस तरीके से हम सारी पोटलियाँ बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ईजी बनाना,
को। ये देखिए ऐसे हमने पोटली बना ली है। अब हमारे पास जो डोरी बनाई है हमने, हम इस डोरी को इसमें लपेट देंगे। ये बहुत सुंदर दिखती है, इसको ऐसे गोल करके लपेट देंगे। देखिए ऐसे बनानी हमें। फ्रेंड्स ये सारी हमारी पुटली बनके तैयार है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हमने तेल गरम कर लिया है, हमारा तेल गरम हो गया। इसे ज़्यादा गरम नहीं करना है, हम इसे मीडियम आंच पर तल लेंगे। एकदम मीडियम आंच पर तलिएगा ताकि वो अंदर से अच्छी क्रिस्प हो जाए और काफ़ी दिनों तक वो क्रिस्प बनी रहे। ये हमारी सारी पोटलियाँ गोल्डन हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसको अब हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसी तरीके से हम सारी पोटलियाँ तल के निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी मसाला पोटली। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया। इसी तरह प्लीज आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगली नई रेसिपी के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। खाते रहिए और खिलाते रहिए।